देखिए अब हम क्या करेंगे, कल मैंने आपको सी के अंदर सबसे पहले कोड लिखना सिखा दिया था कि सी के अंदर हम कोड कैसे लिखते हैं। अगर आज हम इसके अंदर बिल्कुल सिक से कोड करना चाहते हैं तो देखो क्या करें, मैंने आपको बताया था कि आपके सिस्टम में सबसे पहले कोई भी एक एडिटर होना चाहिए, जरूरी नहीं कि सब लाइन हो, आप कोई भी, आपके पास कोई भी एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए, कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है? हाँ जी आवाज आ रही है भी नहीं? सर, आ रही है हाँ सर, जी जी सर, आ आ रही रही जी, है आ सर। रही। ओके ओके। उसके बाद अब मान लो सपोज करो यहाँ पे तो हमने देखो कोई भी एक नंबर प्रिंट करना सीखा था। अब मैं एक छोटा सा बेसिक ऑपरेशन तैयार कर, मान लो सपोज कीजिए मैंने क्या किया यहाँ पे एग्जांपल 5 डॉट्स, मैंने हेडर फाइल लगाया। और आपको पता है मैं हेडर फाइल किस लिए लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे प्रिंटर फंक्शन पे काम करना है और जितना भी मेरा कोड लिखा जाता है वो टोटल मेन फंक्शन के अंदर लिखा जाता है। अब मुझे क्या करना है, मेरा टारगेट क्या है, फिलहाल मुझे क्या करना है, 2 नंबर को प्लस भी करना है, 2 नंबर को माइनस भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है और मॉड्यूल। तो पहले तो आप ये देखो, मैंने इंच के अंदर मैंने 2 वेरिएबल ले लिए, एक्स और वाई। यहाँ पे मैंने इनको डिक्लेयर कर दिया, ये वाली लाइन जो कहलाएगी, ये वाली लाइन कहलाएगी डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, ठीक है? मैंने 2 वेरिएबल को डिक्लेयर कर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत? नहीं जी, तो देख सर ये लिखना क्या है, डिक्लेरेशन ना स्टेटमेंट ये ना, ये सब तो चीज़ मैंने वैसे ही प्रॉपर। नोट्स डाल दिया, ये वैसे ही डाल दिया। अच्छा जी, देव कोई दिक्कत? कार्तिक, लेकिन कार्तिक मोबाइल छोड़ के चली गई, ऐसे ही छोड़ देने। कार्तिक आप हो यहाँ पे? अच्छा सर मैं हूँ, पता है वो ना मेरा ना म्यूट हो रखा था, इस वजह से वाली आ रही थी, सॉरी। ओके ओके। अब मैंने क्या करना है, नंबर को प्लस भी करना है, तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल बना दिया सम। अब एक मीनिंग, एक चीज सुन लीजिए, क्या ये जो मैंने सम लिखा क्या इसका मीनिंग ऐड है इसमें? बिल्कुल नहीं। जो भी हम डेटा टाइप के बाद लिखते हैं उसका कोई मीनिंग ऐड नहीं होता है। अब इनके रूल समझ लीजिए, यदि जब आप कोई वेरिएबल बनाओ उस वेरिएबल के बीच वो आप कैपिटल भी हो सकता है, वो स्मॉल भी हो सकता है, पहला कैपिटल लेटर और बाद में स्मॉल भी हो सकते हैं, पहला लेटर स्मॉल और बाद के लेटर कैपिटल भी हो सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में नंबर नहीं होना चाहिए, ये रूल माना। स्टार्टिंग में अल्फाबेट ही होना चाहिए वेरिएबल बनाने, ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ओके मैं सेशन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्ड करते हुए मैं यूट्यूब पे डाल दूँ, रिवीजन के लिए उस पे देख लेना आप, ठीक है? ओके सर। ठीक उसके बाद मुझे सम करना है, कॉमा, मुझे और क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन करना है, मॉड्यूल करना है, यहाँ पे सेमी कोलन। उसके बाद मुझे एक्स की वैल्यू मैंने क्या रख दी, यहाँ पे 7 रख दी। मैंने वाई की वैल्यू क्या यहाँ पे 3 है रख दिया, यानी एक्स के अंदर हमने क्या इनिशियलाइजेशन किया 7, वाई के अंदर 3। तो मैं यहाँ पे सम इक्वल्स टू क्या कर सकता हूँ, एक्स प्लस वाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? यस सर, कर सकते हैं। सभी माइक ऑन करके रखेगा अपना। उसके बाद में सब्ट्रैक्शन इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, यहाँ पे मैंने क्या करा, एक्स माइनस वाई कर। उसके बाद दिया आपने एस एक्स माइनस वाई, उसके बाद मैं क्या कर सकता सर, हूँ, एक्स मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई वाई। उसके बाद डिवीजन इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाई वाई। उसके बाद मॉड्यूल इक्वल्स टू एक्स मॉड्यूल वाई। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताइए। नो नो सर, नो डाउट। सर। ओके। अब इसको प्रिंट करना है, देखो प्रिंट करने का तरीका क्या है। पहले तो देखो आपको कितने आंसर प्रिंट करने हैं, कार्तिक सम सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉड्यूल, तो कितने वेरिएबल हो गए? 4 5 हो गया ना, ठीक पांच है? एक हाँ मॉड्यूल, ओके मॉड्यूल भी हो गया ना, तो 5 बार ही परसेंटाइल डी लगेगा कि नहीं लगेगा ये बताइए। यस सर, ओके, कॉमा लगा के पहले वेरिएबल में सम करना चाहता हूँ, दूसरा में दूसरे सब्ट्रैक्शन करना चाहता हूँ, वाले में फिर सब। मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, फिर मॉड्यूल। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर, नो अब हम डाउट। यही कहीं शॉर्टकट में आंसर निकाल लेते हैं। देखिएगा, अगर हम 7 और 3 को जोड़ें तो आंसर क्या आएगा, 10।
सेवन में से थ्री माइनस करते तो आंसर क्या आएगा, फोर। और उसके बाद अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा, 21। उसके बाद अगर हम डिवाइड करते हैं तो आंसर डिवाइड होके आता है 2। और मॉड्यूल निकालते हैं, मॉड्यूल निकालने के बाद में कितना आएगा, नीचे मॉड्यूल आएगा 1। अब हम इस आंसर को वेरीफाई करेंगे कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं। तो इसको वेरीफाई करने का भी तरीका वही है, मैंने बताया था आपको सीएमडी ओपन करना है। सीएमडी ओपन करने के बाद में हमें क्या करना है, इस वाले लोकेशन से बाहर आना है, सीडी बैकस्लैश दबा के एंटर कर देंगे। उसके बाद आप अपनी कोड की लोकेशन देखो, यहाँ पे सी ड्राइव के अंदर कोड, कोड के अंदर ऑनलाइन क्लास, तो पहले क्या लिखेंगे, सीडी कोड, सीडी ऑनलाइन क्लास। उसके बाद कोड को कंपाइल करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे जीसीसी, मेरे कंपाइलर का कोड का नाम है एग्जाम्पल डॉट एग्जाम्पल 5.c। यहाँ तक डाउट विनी? नो नो सर, सर। क्लियर है देव? यस सर, क्लियर। अब एंटर कर दो। अभी देखो मेरे कोड में मैं चेक करता हूँ कोई एरर तो नहीं है, तो मैंने जीसीसी एग्जाम्पल 5 लिखा, क्या मेरे कोई कोड में एरर है? नो नो सर। सर, कोई एरर नहीं। ए प्रेस करके एंटर कर दो। अब आंसर जरा मैच कर लीजिए, देखिए पहले 10 आ रहा है, प्रिंट हो गया 10, फिर 4 आ रहा है, 4 मैच हो गया, फिर 21 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, और फिर 1 आ रहा है। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं नो सर, नो डाउट। क्लियर हो गया? ओके। यस सर। अब एक चीज, थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे ये रिजल्ट थोड़ा सही नहीं लग रहा है। अगर मान लो सपोज करो मैं इसको इस तरह से कर लेता हूँ, तो मुझे ये नहीं पता लग रहा ये 10 क्या है, 10 सम है, 4 क्या है, ये क्या है, तो ये चीज मुझे नहीं पता लगता। मैं कहना चाहता हूँ इनके साथ इनका एक प्रॉपर मैसेज भी प्रिंट हो, तो उस प्रॉपर मैसेज को प्रिंट करने के लिए एक तरीका है। यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, सम इक्वल्स टू, इनवर्टेड कॉमा के अंदर ही लिख दिया। अगर हम नई लाइन में आंसर चाहते तो सलेशन लगा देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, सब इक्वल्स टू, इसका नई लाइन में आंसर चाहते सलेशन। फिर मैंने क्या लिख दिया, मल इक्वल्स टू, नई लाइन में आंसर चाहते हैं सलेशन। उसके बाद डिव इक्वल्स टू, उसके बाद नई लाइन में आंसर चाहते हैं सलेशन। उसके बाद मॉड इक्वल्स टू, मॉड इसके बाद कोई नहीं, तो सलेशन लगाने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल एस से सेव करो और दोबारा से इस कोड को कंपाइल, जीसीसी एग्जांपल 5.3। जीसीसी एग्जाम्पल 5। ए प्रेस करके एंटर। देखो अब आंसर सही से आया कि नहीं है, सम सर। मतलब कितना हो गया, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड। कार्तिक आप बताइए, ओ सॉरी कार्तिक और विन्नी आप बताइए, आपको कोई दोनों को डाउट हो? नहीं सर। नहीं सर। समझ में आ गया? हाँ अच्छा बताइए क्या मैसेज लिखना जरूरी है सम? नहीं, मतलब अगर हमें अलग अलग में चाहिए तो हम लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। प्रॉपर मैसेज दिखाने के लिए, वैसे जरूरी नहीं होता, अगर आप अपना अच्छा फॉर्मेट दिखाना चाहते हो तो उसके लिए हम लिख सकते हैं। क्लियर? यस सर, क्लियर। ओके। अब हम क्या काम करेंगे, अब हम एक कोड बनाते हैं, साधारण ब्याज निकालते हैं। अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो, डॉट सी। विन्नी तुम्हें बहुत आता है ब्याज निकालना, आ जाओ जरा। हाँ जी बताओ। देखो साधारण ब्याज के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, इंटरेस्ट, यही तो होता है ना। हाँ प्रिंसिपल को पी मान लेता हूँ, रेट को आर मान लेता हूँ, टी को टाइम मान लेता हूँ, इंटरेस्ट को एस आई मान लेता हूँ। कोई प्रॉब्लम? पी नहीं की वैल्यू मैंने डाल दी 1000, पी इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे 1000 दे दिया। आर की वैल्यू मैंने यहाँ पे 3% कर दिया, टी का वैल्यू मैंने 6 कर दिया, और एस आई इक्वल्स टू आपको पता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम और अपॉन हंड्रेड, क्या यही फॉर्मूला होता है? हेलो सर, मैं कह रहा जो आपने आर की वैल्यू 3 रखी, तो उसका आपने परसेंट टेन पे लगाएंगे तो बिल्कुल फिर वो बिल्कुल कैसे सही पूछा समझेगा? आपने। अब सुनो, अगर मैं यहाँ अपॉन हंड्रेड नहीं करता, क्योंकि प्रोग्रामिंग के अंदर यहाँ अगर परसेंट साइन लगाएंगे तो एक सिंबल माना जाता है, लेकिन परसेंट का जो मीनिंग होता है वो होता है अपॉन हंड्रेड, होता है कि नहीं होता है? हाँ जी तो मैंने ही सर, कहीं और वो अपॉन हमने हंड्रेड साइन कर में दिया, कर लिया। अपॉन हंड्रेड कर दिया यहाँ पे। उसके जी हाँ, बाद वो यहाँ पे मैंने एक प्रिंट फॉर्मूला। आउट, मैंने एस आई इक्वल्स टू परसेंट डी फोर कॉमा एस आई। देखो अब इसका रिजल्ट देखा,
दिस इज एग्जांपल के लिए दियो बनाने के लिए। हाँ पढ़ दूंगा आज क्वेश्चन दूंगा, कल तो मैंने इसलिए नहीं दिए थे क्योंकि कल शुरुआत थी आपकी। आप ए प्रेस करके एंटर। अब मेरे पास बहुत सारे कोड है। पता है मुझे बहुत सारे हैं आपको, आप तो बना लोगे बढ़िया। तो मैं आपको सेंड कर दूंगी अगर चाहिए होंगे, बहुत टिपिकल भी है। ठीक है अब देखिए आंसर 180 रुपये आ गया, ब्याज कितना है 180 रुपीज। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। जी आ गया। यस सर। पिन्नी आ गया जी आ गया। ओके अब देखो अब मेरा एक प्रोग्राम होगा कि यहाँ पर मैं सेव कर लेता हूँ उसको, कि कुछ स्टूडेंट के मार्क्स होंगे उन मार्क्स का मुझे सम करना है और क्या करना है उसकी परसेंटेज निकालनी। तो ये तो कॉमन सा कोड है अगर देखा जाए तो, भाई जितने सब्जेक्ट हैं उतने ही वेरिएबल बनेंगे कि नहीं बनेंगे? यस सर। क्यों नहीं भाई, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया। मेरी आवाज चली गई थी आपकी। हैं? मैं कह रहा आपकी आवाज चली गई थी, एक बार और बता दो। देखो अगर हमें क्या करना है किसी सब्जेक्ट के मार्क्स निकालने, तो जितने सब्जेक्ट होंगे उतने वेरिएबल होंगे कि नहीं होंगे, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, ड्राइंग, होगा कि नहीं होगा? यस सर। विनी आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी सर मेरा नेट यो, आपका नेट गड़बड़ कर रहा है क्या? सर ये बेचारा 44 से चला रहा। उसके बाद यहाँ पे मेरा टोटल और यहाँ पे मेरा परसेंटेज। अब देखो ध्यान से, देखो मैंने हिंदी के जो मार्क्स एंटर करे हैं वो कितने कर दिए 65, इंग्लिश के मार्क्स मैंने कर दिए 76, उसके बाद मैथ के मार्क्स मैंने कर दिए 63, उसके बाद साइंस के जो मैंने मार्क्स रखे वो ये रख दिए 76, एसएसटी के जो मार्क्स रख दिए मैंने रख दिए 34, उसके बाद में ड्राइंग के जो मार्क्स रख दिए मैंने 77 रख दिए। अब अगर हमें टोटल करना है तो विनी कैसे करूँ? टोटल का फॉर्मूला क्या लगेगा विनी? बता तो दिया सर। सम सम कैसे भाई? एक सम गलत, आपको एच प्लस ई प्लस एम प्लस, इनका ही तो प्लस करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए जरा, क्योंकि मार्क्स इनके अंदर ही तो रखे हैं। यस सर। हाँ जी। उसके बाद अगर परसेंटेज निकालनी, आपको पता है कि जितना आपका टोटल होता है टोटल उस टोटल की मल्टीप्लाई 100 से, और जितने सब्जेक्ट हैं उसको उसके मैक्सिमम मार्क्स से डिवाइड कर देंगे। सिक्स सब्जेक्ट है तो 600 से डिवाइड। क्या मैं सही हूँ? यस सर। हाँ जी। अगर हमें प्रिंट करना है टोटल इक्वल्स टू परसेंटेज लेस एन, एक मिनट रुकना जरा। विन्नी खुला हुआ तुझे दिखता नहीं क्या? उसके बाद परसेंटेज इक्वल्स टू परसेंट डी स्लेस एन कॉन कॉमा, यहाँ पे आप प्रिंट करेंगे टी ओ टी डॉट और उसके बाद में करेंगे टी आर। अब इस कोड को मैं रन कर जीसीसी एग्जाम। आप कहाँ चले जाओ बार बार? सेवन गया था अभी, यहीं से गया था। उसके बाद आप यहाँ पे इसको एंटर करेंगे तो आप देखो यहाँ पे आपके जो टोटल मार्क्स हैं 391 है और परसेंटेज आ गया 665। इस कोड में डाउट हो तो? नो डाउट नहीं सर। क्लियर है? यस सर क्लियर। सर नोट्स बनाने की जरूरत तो है नहीं? नहीं मैं ना यही चीज भेज दूं आपको, नोट्स में आपको बता दूं नोट्स को कैसे करना है। अभी पहले कुछ दिन हम प्रैक्टिकल करेंगे, फिर बाद में मैं इसकी एक्सप्लेनिंग कर दूंगा ऑनलाइन। अब देखो
अब देखिए नेक्स्ट। एग्जाम्पल 8। अब तक देखो हमने जो इन्फॉर्मेशन प्रिंट करी है, यहाँ पे देखो अब तक जो हमने इन्फॉर्मेशन प्रिंट करी हो केवल इंटीजर टाइप के नंबर पे इन्फॉर्मेशन पे काम किया। अगर हमें क्या करना हो, कोई स्टूडेंट है उस स्टूडेंट की हमें इन्फॉर्मेशन प्रिंट करनी है, उसका नेम, उसकी एज, उसकी हाइट, ये चीज प्रिंट करनी है। तो अब यहाँ पे देखो जो उसकी हाइट होगी, अब देखो जो नेम होगा, नेम किस में होगा, अल्फाबेट में होगा कि नहीं होगा, हाँ जी सर, यस सर, और एज किस में होगी, इंटीजर में होगी कि नहीं होगी, ठीक इंटीजर, यस सर, है। हाँ जी सर, उसके बाद जो हाइट होगी वो होगी फ्लोट के अंदर, क्योंकि फ्लावर हाइट के होती है अंदर 3.4.5 पॉइंट के अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, मिक्स डेटा टाइप का यूज करेंगे। एक ही प्रोग्राम है तो कैसे करते हैं, हैश इंक्लूड स्टूडियो इनपुट आउटपुट डॉट एच वॉइड मेन बॉडी। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करा, इंच के अंदर यहाँ पे ले लिया, सपोज करो मुझे पहले नेम प्रिंट करना है, तो मैंने यहाँ पे कैर, यहाँ पे मैंने क्या करा नेम, और यहाँ पे इसके अंदर कितने लेटर भी स्टोर करने, 20 लेटर स्टोर, और मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया मान लो मार्टिन, ठीक है। उसके बाद इंट के अंदर मैंने एज, एज के अंदर उसकी वैल्यू डाल दी मैंने, मान लो सपोज करो उसकी एज डाल दी मैंने 19, ठीक है। उसके बाद प्लॉट, प्लॉट में उसकी हाइट, हाइट मैंने डाल दी उसकी 5.3, ठीक है। अब इसको अगर हमें अपने नंबर प्रिंट करना है, तो अब सुनो मैंने आपको क्या बताया था कि सपोज कीजिए मुझे नेम प्रिंट करना है, तो नेम प्रिंट करने के लिए परसेंट एस लगता है। कैर के लिए मैंने आपको कल बताया था, एज के लिए क्या लगेगा, एज किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर है कौन सा है, इंटीजर इंटीजर के लिए क्या लगता है परसेंट डी, जी। परसेंट उसके बाद फ्लोट के लिए क्या लगता है, समझ एफ परसेंट एफ, समझ में आ गया। उसके बाद उन वेरिएबल की सीक्वेंस जी दे देंगे जैसे नेम कॉमा एज कॉमा हाइट। उसके बाद अब आपको क्या करना है, इस कोड को रन करना, इस कोड को रन करने के लिए वही जीसीसी एग्जांपल 8.c एंटर। कल से एक काम करेंगे, सॉफ्टवेयर चेंज करेंगे, सॉफ्टवेयर जूम गड़बड़ करने लगा बहुत। सर आपने अपडेट नहीं किया होगा, सर अपडेट नहीं किया होगा आपने शायद। एक मिनट, लॉगिन होने लगा। देखो अब यहाँ पे, अब मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ, तो देखो इस तरह से आ गया, नाम क्या है मार्टिन है, एज कितनी आ गई इसकी 19। हेलो, यस सर, हाँ जी सर, देखो आए नहीं आई, यस सर, आ अगर गई सर, आ गई। हमें वही इसी तरह से वही तरीका यूज करना है, मान लो मुझे दिखाना नेम इक्वल्स टू स्लेशन, और उसके बाद में मुझे एज इक्वल्स टू, उसके बाद में मैंने कर दिया यहाँ पे स्लेशन, निकाल उसके बाद मैंने कर दिया यहाँ पे एच ई आई जी एस टी इक्वल्स टू आई। अब देखो अगर मैं इस कोड को दोबारा कंपाइल करता हूँ तो अब अच्छा लगेगा, पहले से बेटर अब अच्छा लगेगा, क्योंकि उसमें सारी चीज आपको शो रहा, करेगी। 30,000 लिखा हुआ, फाइव ये पॉइंट में पॉइंट के वैल्यू बाद। बताऊंगा, इसका भी कारण बताऊंगा, ये पॉइंट में वैल्यू 30,000 नहीं है। देखो नेम क्या है, मार्टिन है, नेम देखो मार्टिन आ गया, एज कितनी आ गई उसकी 19 आ गई, और हाइट कितनी आ गई 5.333 3000। पॉइंट वाला सर कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि नहीं आया, गया आ गया ना, ये पता लग गया ना। अगर हमारे लो सपोज करो डिफरेंट डेटा टाइप हो, अगर हमें डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यू को प्रिंट करना है, तो
कैसे करना पड़ेगा, तो वो हमें स्टूडेंट का जो भी आपके पास रिकॉर्ड है उससे पता लगाना पड़ेगा कि किस वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू जाएगी, और उसी टाइप का हम डेटा डेटा टाइप डिक्लेयर करें। यहाँ तक क्लियर हुई बात? यस सर, क्लियर तो अब हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। देखो अब मैं आपको एक नई चीज दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। सपोज कीजिए एग्जाम्पल लाइन डॉट सी, मैंने यहाँ पे एक सी में कोड बनाया void main body, और मैंने इसके अंदर ए वेरिएबल डिक्लेयर करा और ए की वैल्यू मैंने डाली 5। अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे प्रिंट आउट परसेंट डी डॉट ए। अब इस कोड के अंदर एक लॉस है, पता है क्या लॉस है? जीसीसी इस कोड का एक डिसएडवांटेज है कि 9.c हैंडल, जितनी बार भी मैं इसको रन करूंगा कट गया, जितनी बार भी मैं इसको रन करूंगा उतनी बार वैल्यू वही आएगी 5, चेंज नहीं हो रही। देख रहे हैं आप? यस सर, हाँ नहीं, जी मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज करो स्क्रीन पर, तो उस वैल्यू को चेंज करने के लिए इसके अंदर एक फंक्शन लगता है, उस फंक्शन का नाम है स्कैनअप। क्या है? स्कैनअप ये कहता है कि जो भी तुम्हें वैल्यू डालनी है वो वैल्यू डालने के लिए सबसे पहले आप स्कैनअप लगाएंगे। स्कैनअप लगाने के बाद में यहाँ पे परसेंट डी और यहाँ पे लगाएंगे एम परसेंट ए। अभी इस एंड को भूल जाओ, ये इसका काम क्या है इसको मैं बाद में समझाऊंगा, अभी तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा। फिलहाल इतना काम समझो कि इसका काम होता है स्क्रीन पर वैल्यू को इनपुट लेना। यहाँ पे देखो मैंने कोई वैल्यू डाली है यहाँ पे ए की, जरा देखिए ध्यान से, यहाँ मैंने नो ए सर, के अंदर नो एरर। कोई डालो, ए की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 3। अब इस कोड का ये बेनिफिट होगा कि जितनी बार भी मैं इसे रन करूंगा, जितनी बार भी मैं इसको रन करूंगा इतनी बार रन करने पर हर बार वैल्यू में चेंज करके डाल सकते। देखो मैंने यहाँ पे रन करा, अब आपसे कोई भी वैल्यू पूछ रहा है, कोई मैंने क्या डाल दिया यहाँ पे वैल्यू 45, तो देखो क्या प्रिंट हो गया, 45 प्रिंट हो गया कि नहीं हो गया। अब मैं इसको सर, दोबारा से रन करता हूँ, अगली बार मैंने वैल्यू क्या डाल दी, 86। तो आप क्या प्रिंट होगी 86। तो हर बार मैं वैल्यू को नई तरीके से एंटर कर सकता हूँ। तो बिन्नी सर, इसका क्लियर? बेनिफिट क्या है, या बेनिफिट ऐसे क्या? ऐसे क्यों करा? बिल्कुल सही पूछा आपने क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताओ, मैं इस वाले कोड को रन कर रहा हूँ जीसीसी एग्जाम्पल 8.c, मान लो आपके पास 10 स्टूडेंट आए, क्या है 10 स्टूडेंट आए, क्या 10 स्टूडेंट की एज सेम मिलेगी आपको भी? नहीं, नहीं सर, अलग अलग मिलेगी। अलग अलग मिलेगी ना। अब इसका डेटा मैंने यहाँ पे इनपुट करा इस वाली स्क्रीन पर, अब जो मैं यहाँ पे इनपुट कर दूँ वो तो फिक्स हो गया ना, तो चेंज तो नहीं कर सकता मैं। देखो सर, हर बार वही हो रहा ना। अब सपोज करो आपके पास एक ऐसा फंक्शन है कि जब भी कोड को रन करोगे तो आप वैल्यू यहाँ पे डालो, हर बार चेंज करके डालो, जैसे यहाँ पे डालते थे। मैं क्या कर रहा हूँ, ए की वैल्यू यहाँ कोई फिक्स है यहाँ बताओ मुझे स्क्रीन पर। नहीं सर, अब जब भी मैं इसको कोड को रन करूंगा तो हर बार वैल्यू आप चेंज करके डाल सकते हो। मान लो सपोज करो मैंने जीसीसी यहाँ पे रन करा 9, अब मैं इस बार इस कोड को रन कर रहा हूँ और इस बार मैंने वैल्यू डाल दी इसकी 8, मान लो उसकी एज 8 हो गई अगले वाले की, तो 8 आ गया। अब मान लो एक स्टूडेंट हो रहा है उसकी एज होगी 12 साल, फिर एक नया स्टूडेंट आया उसकी एज होगी कितनी 34। अब समझ में आया कि नहीं आया? ठीक आगे सर। ये हर बार वैल्यू को चेंज करता है। अब तुम्हें यहाँ थोड़ा सा भद्दा सा लग रहा है, तो इसको और अच्छा परफेक्ट बनाने के लिए यहाँ पे एक मैसेज लिख दो, एंटर एनी वैल्यू, आप यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू ये मैसेज लिख दो। वैसे जरूरी नहीं होता, कोड को और अच्छा इंटरेक्शन दिखाने के लिए। अब देखो मैंने सेव करा, उसको रन करा, अब आपसे पूछ रहा है एंटर एनी नंबर या एंटर एनी वैल्यू, या जब आप एटीएम में जाते हैं वहां पे पिन कार्ड लगाते हैं, जो एटीएम डेबिट कार्ड लगा के आप एंटर करते हो तो वहां से आता है ना प्लीज एंटर द पिन कोड, पूछता है कि नहीं पूछता है? हाँ जी यस सर। तो वो मैंने यहाँ पे काम कर दिया, मान लो मैंने वैल्यू कितनी डाली 3, 4, 5, और वो 3, 4, 5 ही प्रिंट हो गया। फिर जितनी बार भी मैं रन करूँ उतनी ही बार मैं इसको क्या कर सकता हूँ, वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ। समझ में आ गया? सर, अब देखो इसका और बेनिफिट आप पता लगेगा। सपोज कीजिए एग्जाम्पल 10.c, मैंने यहाँ पे हेडर फाइल लगाई हैश 0
स्टूडियो इनपुट आउटपुट डॉट एच फिर वाइड रेंज प्रिंट के अंदर मैंने ए और बी ले लिया और एक ले लिया सी। मैंने यहाँ प्रिंटर में एक मैसेज लिख दिया एंटर द फर्स्ट नंबर और वो फर्स्ट नंबर मैंने स्टोर कर दिया परसेंट डी और एम परसेंट ए में वैल्यू डाल। फिर प्रिंट के अंदर मैंने कर दिया एंटर द सेकंड नंबर, वो सेकंड नंबर जो मैंने स्टोर किया है परसेंट डी और वो एम परसेंट वो मैंने बी में स्टोर कर दिया और C इक्वल्स टू ए प्लस बी। और मैंने तो ये अलग अलग लिखने पड़ेंगे चाहे एक साथ भी लिख लो, अभी मैं अलग अलग बताऊंगा एक साथ नहीं। अब देखो अब इसका बेनिफिट क्या है, जीसीसी एग्जाम्पल 10.सी। अब मैं इसको रन कर, आप सब देखो क्या पूछ रहा, फर्स्ट नंबर मैंने डाल दिया 6, सेकंड नंबर मैंने डाल दिया 3, तो आंसर क्या आएगा 9 आगे 9। फिर मैं इसको रन करता हूँ, इस बार मैंने फर्स्ट वैल्यू डाल दी 57 और इस बार वैल्यू डाल दी मैंने 43, तो इस बार आंसर क्या आ गया 100। इतनी बेनिफिट लगा कि नहीं लगा? हाँ जी हाँ जी, पहले वैल्यू फिक्स होके चल रही थी, इस बार वैल्यू फिक्स नहीं है। इस बार मैं हर बार वैल्यू चेंज करके डाल सकता हूँ, मुझे मान लो हर बार वैल्यू नहीं करनी हो। समझ आ गया? ओके सर। हेलो कहाँ चले जाओ जी आप बार बार। आप देखो इस एग्जांपल पर मैं तुम्हें तुम्हारे एक नया एग्जांपल कोड रन करके दिखा रहा हूँ, देखो इसका बेनिफिट क्या है। सपोज कीजिए मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है हर बार नहीं, एग्जाम्पल 7.सी हैश इंक्लूड स्टूडियो इनपुट आउटपुट डॉट एच हैश इंक्लूड वॉइड मेन बॉडी इंटीजर टाइप के अंदर हमने क्या लिखे टी आर टी और एस आई। अब मैं क्या कर सकता हूँ, प्रिंटर के अंदर एक मैसेज लिख सकता हूँ एंटर द टेन सी पल, स्कैन अप करके परसेंट डी लगाया कोड एम परसेंट हमने किस पी में वैल्यू डाल। फिर प्रिंट अप करके मैंने क्या कर दिया एंटर द रेट, उसको स्कैन अप करके मैंने वैल्यू किस में डाल दी रेट के अंदर डाल दी। हाँ फिर प्रिंट अप एंटर द टाइम, फिर स्कैन अप लगाया मैंने परसेंट डी कोड एम परसेंट टी। उसके बाद मैं एस आई निकालूंगा, एस आई निकालने के लिए फॉर्मूला भी बताया था उन्हें टी इंटू आर इंटू टी और यहाँ पे हो जाएगा अपॉन 100। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है प्रिंट अप कर देना है एस आई इक्वल्स टू परसेंट डी। एस आई लिखना जरूरी नहीं है लेकिन अच्छा रिजल्ट दिखाने के लिए मैंने लिख दिया एस आई। आप देखो अब मैं इस कोड को रन करता हूँ जी सी सी एग्जाम्पल 11.सी। मान लो भी नहीं कोई कस्टमर आया कि उसे ब्याज पे पेमेंट चाहिए, अब ऐसा तो नहीं कि हर बार एक कोई एक से अमाउंट मांगेगा। देखो मैं इसको रन कर, मान लो एक व्यक्ति आया उसने मेरे से 1,000 मांगे, उसे 2% पे दिया 3 साल के लिए, तो उसका ब्याज कितना आ गया 60 रुपए। फिर मैंने रन करा, अगला जो कस्टमर आया उसको मैंने 3,000 दे दिए 3% पे 2 साल के लिए, उसका ब्याज कितना आ गया भाई 180। इसका मैंने डाल दिया 5,000, इसका 3, इसका 2 डाल दिया, इसका ब्याज कितना आ गया 300। तो स्कैन अप की पावर समझ में आ गया। अब आपको स्कैन अप का काम क्या करें, स्कैन अप का काम होता है जब हम कोड को रन करें, रन करते हुए ही वैल्यू यहाँ पे लिखें, क्योंकि हमने इससे पहले जो सिंपल इंटरेस्ट का कोड बनाया था, अब अगर आप ध्यान हो तो यहाँ पे वैल्यू फिक्स है, जब भी मैं इस कोड को रन करूंगा तो उसका आंसर हमेशा सेम आएगा। जी सी सी एग्जाम्पल 6.सी, जितनी बार भी रन करोगे आंसर इसका हमेशा सेम ही रहेगा, 180 रुपये ब्याज रहेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं है? इसमें मैं किसी और दूसरे पर्सन का तो नहीं अमाउंट फाइंड आउट कर सकता, अगर मुझे दूसरे पर्सन का अमाउंट फाइंड आउट करना हो
तो आप स्कैनअप का यूज कीजिए, स्कैनअप आपको अलग अलग फैसिलिटी देगा। 3,000 डाल दिया, 5 ये आ गया 540 रुपये दिया। अब यहाँ तक मुझे आपको डाउट बताओ, स्कैनअप में कोई डाउट है क्या? नहीं जी, नो डाउट, क्लियर हो गया। कार्तिक? यस सर। ओके, उसके बाद अब हम जो करेंगे इसके अंदर, ये तो हो गया। अब अभी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको, आपको जो खुद करना है, मैं एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। मेरे पास तीन वेरिएबल है, ए बी और सी। ए में वैल्यू क्या रखी है? ए में वैल्यू 5 है, बी के अंदर वैल्यू 3 है। अब मुझे ये करना है कि ए के अंदर जो वैल्यू रखी है वो तो आ जाए बी वाली वैल्यू, यानी कि ए की वैल्यू तो 3 हो जाए और बी की वैल्यू 5 हो जाए। तो मैं क्या कॉन्सेप्ट अपना, विनी सर, जो नीचे जब हम प्रिंट करेंगे, हेलो, तो सर वहां पर इंटरचेंज कर देंगे आपस में? वहां चेंज नहीं करना, इसका एक लॉजिक है मैं दिखाता हूँ। देखिए, ए के पास जो वैल्यू रखी है वो सी इक्वल्स टू तो कर दो ए, और ए इक्वल्स टू कर दो बी, और बी इक्वल्स टू कर दो सी। अब यहाँ देखो, ए के पास क्या हो, पर यहाँ देखो ए के पास 5 है, ए के पास 5 है कि नहीं है? 5 कहाँ स्टोर हो गया सी में, तो सी की वैल्यू क्या होगी, 5 हो गई। बी के पास क्या रखा है, बी के पास क्या है, 3 है, 3 है। अब ये 3 कहाँ पे स्टोर हो रहा है, ए में, तो ए की वैल्यू अब कितनी होगी, 3 होगी कि नहीं होगी? यस सर। इसी तरह से सी के पास क्या रखा है, सी के पास रखा है 5। अब मैंने 5 किसके इक्वल कर दिया, 5 कर दिया मैंने बी के इक्वल, तो बी इक्वल टू सी, तो इसका मतलब इसमें क्या आ गया, 5 आ गया। तो जरा देखो चेंज हो गया कि नहीं हो गया? यस सर, हो गया। विन्नी आपको डाउट है?